हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संदीप और आज हम बात करेंगे एनडीए के नए नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, 5 जून को कल यूपीएससी ने नया अपना कैलेंडर जारी किया है, जिसके अंदर एनडीए की डेट जो है 6 सितंबर बताई गई है। और ये बोला गया कि एनडीए का 1 और एनडीए 2 2020 के जो दोनों पेपर है वो इकट्ठे हो रहे हैं, 6 सितंबर को दोनों पेपर इकट्ठे हो रहे हैं, ये इतना नोटिफिकेशन बताया गया है। तो कल जब से नोटिफिकेशन आया, मेरे पास कई टाइप की क्वायरी आ रही है, कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो मैं सभी क्वेश्चन को वन बाय वन यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात कि जिन्होंने 2020 का एनडीए का फॉर्म भरा था फर्स्ट पेपर का, उनको दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, वो सीधा पेपर दे सकते हैं, उनका एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन जिन्होंने पहला फॉर्म नहीं भरा होगा, दूसरे पेपर में अपीयर होना चाहते हैं, उनका जो है फॉर्म 10 जून से निकलने वाला है। 10 जून से फॉर्म आएगा और 10 जून से लेकर 30 जून तक फॉर्म चलेंगे। तो जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है उनको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा हुआ उनको फॉर्म भरना पड़ेगा 10 जून से लेकर 30 जून के बीच बीच, ठीक है। दूसरी बात, जिनों का पिछला लास्ट चांस था, जिनका अप्रैल वाला पेपर जो था वो लास्ट चांस था, उनका ये जो एग्ज़ाम है यही लास्ट होगा, ये उनका लास्ट चांस होगा। और जिनका सितंबर लास्ट चांस था, ये उनका भी यही एग्ज़ाम लास्ट चांस है, क्योंकि सितंबर और अप्रैल वालों को कोविड-19 कारण मौका नहीं मिल पाया, तो उनका लास्ट मौका था उनके पास पड़ा हुआ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी, मैंने जो भी बताई थी उसके अंदर सारी बातें मैंने आपको यही बोली थी कि एनडीए जो है, यूपीएससी जो है, कम से कम एक मौका जरूर देगी जिनका लास्ट चांस है, अगर पेपर कैंसिल होता है तो। फिर मैंने वहाँ पर यह बात भी बोली थी कि पेपर हो सकता है शायद इकट्ठा भी हो, ऐसी बात भी कही थी, और वही बात यहाँ पर हुई है। तो जिन्होंने पहला फॉर्म भरा था और उनका लास्ट चांस था, उनका ये लास्ट चांस होगा, और जिनका ये सितंबर वाला लास्ट चांस था, उनका सितंबर वाला ही लास्ट चांस होगा। अब आपके पास मौका जो है तैयारी करने का डबल है, जो अपीयर करने का मौका जो डबल है। अब डबल कैसे है, सुनना, कि पहले जो एनडीए की जितनी भी सीट होती थी, मान लो जितने भी बच्चे एनडीए रखते थे, जितने बच्चे आपके जो सीट, मान लो लगभग 400-450 के बीच में सीट होती थी, और 400-450 सीट जो थी अप्रैल की थी, और 400-450 सीट जो सितंबर की थी, इस बार आपके पास सीट्स जो है वो डबल हो जाएगी। मतलब आपके पास जो सिलेक्शन का मौका है वो डबल हो गया इस बार, आपके पास मौका जो है डबल हो गया इस बार। अब सीट्स बढ़ी है तो इसका क्या होगा, पेपर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो पेपर का आपको बता दूं, लेवल वही रहने वाला है जो पेपर का पहले लेवल होता है। बस इतना है कि जितने कैंडिडेट फर्स्ट पेपर को अपीयर करते थे, अब जो कैंडिडेट अपीयर करेंगे वो लगभग डबल करेंगे। तो जहां जितनी जितनी कट ऑफ जाती थी, आपने ये मान के चलना है कि कट ऑफ जो अब थोड़ी कम जाएगी पिछली बार से, कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि स्टूडेंट डबल रखने हैं। अगर जहां पर किसी पेपर की कट ऑफ, मान लो मैथ के पेपर की मैं 120 के आसपास बोलता हूँ, 120 से 130 रहती है, तो वही कट ऑफ अब 110 के आसपास जाएगी या 105-110 के आसपास जाएगी। मतलब ये हुआ कि बच्चे अगर, स्टूडेंट अगर डबल रखने हैं तो कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि पेपर का पैटर्न सेम है। उसके बाद एसएसबी के लिए जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे वो भी डबल होंगे, उसके बाद जो लास्ट जो एसएसबी क्लियर करेंगे वो भी कैंडिडेट डबल होंगे। तो ये था आपका पेपर का कि किस हिसाब से आपका पेपर होने वाला है, तो मैंने आपको वो बता दिया। तो जिन्होंने तैयारी नहीं शुरू करी है, अब पूरा बिल्कुल लास्ट और बढ़िया मौका है, ये बहुत बढ़िया मौका है और बिल्कुल लास्ट मौका है। लास्ट मौका क्यों है, क्योंकि अगर आज की अगर बात करो, आज 6 जून हुई है और पेपर जो है 6 सितंबर को है, पूरे 3 महीने हैं, और 3 महीनों के अंदर आराम से तैयारी हो सकती है। 3 महीने के बाद अगर 2.5 महीने 2 महीने की बात करोगे, तब शायद आपका सिलेबस ना हो पाए, पूरा सिलेबस आपका जो तैयारी नहीं हो पाएगी, हो सकती है ऐसी बात। उसके बाद जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी हो चुकी है, जिन्होंने पहले पेपर के लिए तैयारी कर रही थी, वो उनको अब टाइम है सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाने का, ताकि जितनी ज़्यादा हो सके टेस्ट सीरीज करें और अपने मार्क्स देखें। जितनी ज़्यादा हो सीरीज के अंदर अपने जो मार्क्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाने की ट्राई करें, क्योंकि इस बार जो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। पहले तो ये था, जिन बच्चों के पास प्लस टू का पेपर जिन्होंने दिया था, उनको इतना टाइम नहीं था एनडीए की तैयारी करने के लिए, अब उनके पास अच्छा टाइम है, तो वो पूरा कॉम्पिटिशन देंगे आपको इस बार आके। दूसरी बात, जिन्होंने आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, जो प्लस टू के साथ में या फिर वैसे आईआईटी की तैयारी कर रहे होते हैं, इस बार आपको वो भी आराम से टक्कर दे सकते हैं। कारण यह है कि फिजिक्स वही है, केमिस्ट्री वही है, मैथ वही है, सिर्फ उनको एक जीएस पढ़नी पड़ेगी, सिर्फ जीएस। आईआईटी की तैयारी वालों ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ी हुई अच्छे तरीके से, और उनकी इंग्लिश भी लगभग ठीक होगी, सिर्फ उनको जीएस की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ जीएस पढ़ने के लिए, तो वो भी इस बार आपको कंपटीशन देंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि मौका सबके लिए है। अगर आपके लिए मौका डबल है तो उनके लिए भी मौका है इस बार, तो कंपटीशन थोड़ा सा इस लेवल पे मुश्किल हो सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, स्टूडेंट जो होंगे ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट होंगे, तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। तो ये हमने बात करी एनडीए के नोटिफिकेशन के बारे में, अब हम बात करेंगे एनडीए के नए बैच के बारे में, कि एनडीए का नया बैच जो है मंडे से, परसों से स्टार्ट हो रहा है, जो कि पेपर तक चलेगा, पूरा पूरा पेपर तक आपका सिलेबस हो पाएगा, एग्जैक्ट पेपर तक। और जिनका सिलेबस हो चुका है उनके लिए हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके मंडे से ही टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज देना चाहता है टेस्ट सीरीज दे सकता है, और जो स्टूडेंट आपके रिटन एग्जाम की अपनी तैयारी करना चाहता है वो मंडे से नए सिरे से एग्जाम की तैयारी कर सकता है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, एग्जाम के लिए सभी को ऑल दी बेस्ट। जिन्होंने तैयारी स्टार्ट कर रखी है वो तो अपनी तैयारी इसी तरीके से कंटिन्यू रखें अच्छे तरीके से, और जिन्होंने तैयारी नहीं शुरू करी है वो जल्दी से जल्दी तैयारी स्टार्ट कर दें, और ये आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है, ऐसा मौका अब दोबारा नहीं आएगा।
क्योंकि इस बार आपकी सीट डबल है तो सिलेक्शन होने की परसेंटेज भी आपकी डबल हो जाएगी। तो ये आपके लिए लास्ट मौका है, बढ़िया अगर बड़ा। उसके बाद एग्जाम तो हर बार, हर साल दो बार होती है, लेकिन इतना अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।